माननीय सदस्य गणों, अब 17वीं लोकसभा का पहले सत्र का समापन हो रहा है। मैं आपके सामने विधायी उल्लेख वैलिडिटी एड्रेस प्रस्तुत करूंगा और ये सदन 1952 से लेकर अभी तक का सबसे स्वर्णिम सत्र आपके सहयोग से रहा है। वो भी खोल दी जाएंगे। माननीय सदस्यगण, लॉबी खोल दी, आदेश दे दिया, लॉबी खोल देना भाई। माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा का पहला सत्र जो 17 जून 2019 को प्रारंभ हुआ था, उसका आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान कुल 37 बैठकें हुई और लगभग 280 घंटे तक ये बैठक चली। स्थापित परंपरा के अनुसार और अवसर की गरिमा को देखते हुए 17 जून 2019 को सभा की प्रथम बैठक कुछ देर मौन रहकर शुरू हुई। 17 और 18 जून 2019 को कुल मिलाकर 549 सदस्यों ने शपथ ली तथा प्रतिज्ञान किया। 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव को चर्चा के लिए दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष के गरिमा में पद के लिए सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मैं सभा के प्रति विनम्रतापूर्ण आभार प्रकट करते हुए गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। सभा ने 24 जून 2019 को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव को 13 घंटे 47 मिनट तक चली लंबी बहस के पश्चात स्वीकृत हुआ। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निपटाना हुआ। केंद्रीय बजट 2019-20 पर चर्चा 17 घंटे 23 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के अधीन 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 82 पर चर्चा 13 घंटे 6 मिनट रात को 12 बजे तक चली। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 83 पर चर्चा 7 घंटे 44 मिनट तक चली। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांग संख्या 84 और 85 पर कृषि कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की मांग संख्या 1 और 2 पर चर्चा 9 घंटे 13 मिनट तक चली। युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के अधीन वर्ष 2019-20 के लिए मांग संख्या 100 पर चर्चा 4 घंटे 14 मिनट तक चली। शेष मंत्रालयों के केंद्रीय बजट 2019-20 के संबंध में अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों पर 17 जुलाई 2019 को मतदान के लिए रखा गया। वे पूरी स्वीकृत हुई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित हुआ। वर्तमान सत्र के दौरान 33 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए और कुल मिलाकर 36 विधेयक पारित हुए और संसद के अंदर 1992 से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा विधेयक पारित आप सबने इस संसद में किए। महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्तंभ विधेयक 2019, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019, मजदूरी संहिता विधेयक 2019, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
संशोधन विधेयक 2019, लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित एक सामाजिक संकल्प जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 एवं जम्मू कश्मीर 2019 आरक्षण संशोधन विधेयक जो वापस लिया है सभा द्वारा पारित किया गया। 183 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस सत्र में सदस्यों ने शाम देर रात तक बैठकर 1086 अविलंब लोकमत के मामले उठाए गए। मान्य सदस्यगणों ने 370 के अधीन 488 मामले उठाए गए। मान्य संसदीय कार्य मंत्री के सरकारी कार्य के संबंध में 6 वक्तव्य सहित मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 35 वक्तव्य दिए। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 1719 पत्र सभा पटल पर रखे गए। जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, गैर सरकारी सदस्यों ने प्रथम सत्र के दौरान अलग अलग विषयों पर 118 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं हुई। जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ने की को परियोजना के माध्यम से नहरों के निर्माण और बुंदेलखंड क्षेत्र में चुट्टा गोवंश संबंधी संकल्प आंशिक चर्चा हुई। इस सत्र में सभा महत्वपूर्ण विधानों को पारित करने के लिए तथा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 71 घंटे देर रात तक बैठी। जहां तक पारित किए विधानों की संख्या है, समय के उपयोग और पहली बार सांसद बने सदस्यों को सभा में बोलने का अवसर के संबंध है, ये प्रथम सत्र सर्वाधिक उपयोगी रहा। 17/6/2019 से 6/8/2019 की अवधि के दौरान हुई 37 बैठकों में 33 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और 36 विधेयक पारित किए गए। ये संख्या लोकसभा के अंदर 1952 में सबसे अधिक थी, जब 1952 में लोकसभा चली थी 67 दिन, जब 24 विधेयक पारित हुए थे और आप सब ने सहयोग कर इतनी बड़ी संख्या में विधेयक पारित किया। 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से लगभग सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे वह शून्यकाल के दौरान हो, तत्सभा के किसी अन्य कार्य के दौरान हो। शून्यकाल के दौरान 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 229 सदस्यों को सभा में पहली बार चुनने के अवसर पर बोलने का मौका मिला और हमारी 46 नवनिर्वाचित महिला सदस्यों में से 42 महिला सदस्यों को शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मुझे ये बताते बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस अवधि के दौरान आप सबके सहयोग से ये सदन का डिस्टर्बेंशन जीरो रहा, व्यवधान जीरो रहा, जो शायद 1952 में से लेकर आज तक इतिहास रहा कि आप सबने मिलकर इस सदन को सार्वगर्भित तरीके से चलाए, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सत्रों में भी ये सहयोग बना रहेगा, जिससे हमारी संसद की गरिमा, हम देश और विश्व में इस संसद की गरिमा को बढ़ाए रखने में कामयाब होंगे। वर्तमान सत्र के दौरान प्रतिदिन औसतन 7.6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जबकि 96 के अंदर 2019 के अंदर औसतन 3.35 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे, जो आज भी सबसे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर इस सदन के दौरान दिए गए। पूर्ण लोकसभाओं के प्रथम सत्र की तुलना में जब केवल कुछ सदस्यों को शून्यकाल के दौरान अविलंब मत के मामले उठाने की अनुमति दी जाती, इस बार शून्यकाल के दौरान 1066 मामले को उठाने की अनुमति दी गई। एक दिन अर्थात 18/7/2019 को 161 मान्य सदस्यों ने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया गया। 17/6/2019 से 6/8/2019 की अवधि के दौरान
37 बेड के सत्र की समग्र उत्पादकता आप सबके सहयोग से 125% रही, जो अभी तक सबसे ज़्यादा उत्पादन। मैं सातवीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने तथा प्रतिज्ञान कराने हेतु प्रारंभिक दिनों में सभा की अध्यक्षता करने का दायित्व को साझा करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और सभापतिता तालिका के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल सभी माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों समूहों के नेताओं, माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया में मेरे मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संसद की कार्यवाही को सारगत कर तरीके से देश की जनता के सामने रखा। इस माननीय सभा के संचालन में सहयोगी बने रहने के लिए लोकसभा की महासचिव, लोकसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में सम्बद्ध सभी एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ।